सीरियल सपना बाबुल का बिदाई आप सब ने देखा होगा। आप सब एक्ट्रेस सीमा कपूर को भी जानते होंगे, जिन्होंने सीरियल में साधना की सास का किरदार निभाया था। हाल ही में सीमा कपूर ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें अदाकारा ने बताया कि महज 16 या 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। सीमा ने बताया कि कैसे 15-16 साल की उम्र में वो एक फ्रॉड के प्यार में पड़ गई थी। सीमा कपूर ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जब वो 15 या 16 साल की थी तो वो अपने से 20 साल बड़े आदमी के प्यार में थी। सीमा ने कहा कि वो न केवल मुझसे 20 साल बड़ा था बल्कि शादीशुदा भी था। उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी एक बेटी भी थी और मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं बस पागलों की तरह उससे प्यार करती थी। मुझे उस वक्त उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता था। जब बाद में मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है, उसकी बेटी है, तब मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लिया। अपनी जिंदगी के उस अतीत को याद करते हुए सीमा कपूर रो पड़ी। जी हाँ, 15-16 साल की उम्र में मिले धोखे से आज तक नहीं उभर पाई हैं टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस। आज तक उस किस्से को याद करके सीमा कपूर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हालांकि अब अदाकारा की शादी हो चुकी है। सीमा कपूर के पति का नाम अमित है और सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस और उनके पति की कई सारी तस्वीरें भी मौजूद हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले प्यार का दर्द जिंदगी भर के लिए रह जाता है, और पहले प्यार के धोखे का दर्द अदाकारा सीमा कपूर के दिल में भी घर कर चुका है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।